पटाखा फैक्ट्रियों पर अभी तक क्या कार्रवाई हुई है और आगे क्या रूपरेखा है? पूरे सागर जिले में जहाँ जहाँ भी पटाखों का भंडारण किया जा रहा है, कुछ लोगों के पास जो लाइसेंस भी हैं, उन सभी प्रमाइसेस का लाइसेंस की शर्तों के अनुरूप परीक्षण किया जा रहा है, उनकी चेकिंग की जा रही है। कुछ कुछ स्थानों पर इसका उल्लंघन पाए जाने पर हम लोगों ने कार्रवाई भी की है। इसमें संयुक्त टीम जो है मैजिस्ट्रेट्स और पुलिस की जा रही है और सभी ऐसे जो लाइसेंस धारक हैं जो भंडारण करने के लिए पात्र हैं उनका लाइसेंस की शर्तों के अनुरूप उसका चेकिंग किया जा रहा है। सेकेंडली ये भी है कि कुछ लोगों के द्वारा बिना किसी लाइसेंस के यदि अपने व्यावसायिक परिसर में या कहीं भी भंडारण किया जा रहा है उसको बेचने के लिए, तो ऐसे भी कुछ प्रकरणों में हम लोगों ने कार्रवाई की है। लगभग अभी तक 14 से अधिक FIR इस तरह की हो चुकी हैं जहां पे छोटी बड़ी मात्रा में विस्फोटक सामग्री जो मुख्यतः पटाखे ही हैं जो जब्त किए गए हैं और उनको जब्त करके वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। इसमें अलग अलग जगह के हिसाब से है, कई जगह जहाँ पर लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन किया है वहाँ बड़ी तादाद में मिला हुआ है, वो सभी मामले विवेचना में है और माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए जा रहे हैं। इसके अलावा भी एक और कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं कि जो कई जगह अवैध रूप से गैस सिलेंडर की रीफिलिंग की भी कुछ जगह लोगों ने शॉप खोल रखी है, जैसे कि बड़े सिलेंडर से छोटे सिलेंडर पे या फिर बड़े सिलेंडर से वाहनों में गैस की फिलिंग की जा रही है, ऐसे हम लोगों ने अभी तक 4-5 केसेस में FIR की है और सभी सामग्री जब्त की है, उन पर भी हम लोग आगे की कार्रवाई कर रहे हैं। सर, एक सोर्स जनता भी होती है, तो जनता से अपील करना चाहेंगे कि इस तरह के अगर उनके आसपास कहीं है संवेदनशील तो वो भी आपको पुलिस को जानकारी दे। जी बिल्कुल, मैं मीडिया के अपने साथियों के माध्यम से ये अपील करना चाहूँगा कि सागर जिले के जितने भी निवासी हैं उनके आसपास यदि ऐसी कोई उनको जानकारी है कि मान लीजिए कोई फटाके की दुकान बिना किसी प्रॉपर लाइसेंस के या बिना किसी सुरक्षा उपकरणों के संधारित की जा रही है, दुकान के अलावा यदि कोई भंडारण गोदाम है ऐसी जहाँ पर विस्फोटक या फटाके भंडारण किए जा रहे हैं, ऐसी कोई सूचना आती है तत्काल हमें दें। साथ ही साथ जो गैसों की रीफिलिंग भी हो रही है गैस सिलेंडर से, उसकी भी सूचना यदि आपके पास है तो तत्काल 100 नंबर पर हमें सूचना उपलब्ध कराएं, तत्काल उसमें हम लोग त्वरित कार्रवाई करेंगे।